क्या तुमने 12th फेल मूवी में एक चीज नोटिस करी? जब मनोज शर्मा और उसके दोस्त ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं तो जो पीछे कपल बैठा है वो ही रियल में मनोज और शर्मा है। ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैंने इस मूवी को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे काफी कुछ हिडन डिटेल्स मिली। सबसे पहली डिटेल यह है कि जब टीचर बच्चों को चीटिंग करा रहा होता है तो दुष्यंत सिंह अपनी टीम के साथ स्कूल में आते हैं, और जब वे आपस में बात कर रहे होते हैं तो क्या तुमने ये चीज नोटिस की? ये जो कैलेंडर लगा हुआ है इसमें मार्च का महीना है और एग्जाम भी मार्च में ही होते हैं। तो इससे पता चलता है कि डायरेक्टर ने मूवी के सीन पर कितना बारीकी से ध्यान दिया है। और इसी के साथ मुझे यहाँ एक हिडन मिस्टेक भी मिली है जो कि इसी सीन में है। ये जो घड़ी आपको दिख रही है इसमें 10:30 बजे हुए हैं, और जो घड़ी दुष्यंत ने पहनी हुई है उसमें लगभग 10 बजे हुए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो जब डायरेक्टर स्कूल में चीटिंग वाला सीन शूट करते हैं तो उनको इस सीन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर बच्चों को बार बार समझाते हैं कि किसी भी बच्चे को कैमरे में नहीं देखना है, पर बच्चे बार बार कैमरे में देख रहे थे। बार बार ऐसा होने के बावजूद डायरेक्टर ने सभी बच्चे को माँ कसम दे दी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और आखिरकार ये सीन ऐसे शूट हुआ। नेक्स्ट है फिल्म का मेकअप। जब फिल्म के अकॉर्डिंग कैरेक्टर का मेकअप और लुक चेंज किया जा रहा था, लेकिन जब मनोज की छोटी बहन की बात आई तो उसे छोटा या फिर बड़ा कैसे दिखाया जाए? इसकी तो कोई छोटी बहन ही नहीं थी जिसे वह छोटी रजनी दिखाए, लेकिन हाँ मनोज का एक छोटा भाई जरूर था, तो उन्होंने उस पर ही एक्सपेरिमेंट कर डाला और उसकी छोटी बहन बताकर इस सीन को शूट किया गया। बात करें मनोज की तो मनोज ने फिल्म के लिए कोई भी मेकअप नहीं करवाया। उसने अपने स्किन को नेचुरली ऐसा बना लिया जिससे कि उसकी स्किन काली काली एक विलेज बॉय के साथ मैच हो रही है। 12th फेल मूवी अगर तुमने पूरी देखी है तो तुमने ये चीज नोटिस करी होगी कि मनोज के दादा का कहीं भी जिक्र नहीं है, परंतु तुम्हारे भाई ने इस चीज को भी नोटिस कर लिया। जब उसकी दादी जिस बक्से से पैसे निकाल कर देती है और जब वह बक्से को खोलती है तो उनके दादा की फोटो पर आप देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके दादा फौज से रिटायर थे। नेक्स्ट सीन है विकास दिव्या कीर्ति सर की शूटिंग का। इतने सारे बच्चों के बीच शूटिंग करना डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन शूटिंग के बाद कुछ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के लिए हमने कुछ मेहनत की है उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब यार लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा ही देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।